देख रहे हैं किसान बुलेटिन, मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। सरकार के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद, अन्ना हजारे ने रखा एक दिन का उपवास। अवार्ड लौटाने राष्ट्रपति भवन पहुंचे खिलाड़ी। किसान आंदोलन को मिल रहा कई नामी हस्तियों का सपोर्ट। भैंस के आगे बीन बजाते किसान, नोएडा में किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन। किसानों ने आज सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भारत बंद करने का आह्वान किया। इस दौरान जहां दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की, तो वहीं बीते सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब के 32 किसान संगठनों ने इसे लेकर बैठक की थी, जिसमें किसानों ने ये फैसला लिया कि भारत बंद के दौरान दिल्ली में दूध और सब्जी पर रोक लगाई जाएगी, जबकि इमरजेंसी सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस, स्वास्थ्य सेवाएं और शादी समारोह को इससे बिल्कुल अलग रखा गया है। आज 3 बजे तक चले किसानों के इस बंद के दौरान जहां कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, तो वहीं दिल्ली की प्रमुख सड़कों को जाम करके किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों के भारत बंद को कई मशहूर हस्तियों का सपोर्ट भी मिला। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी एक दिन का उपवास रखा। तो वहीं कई खबरों के अनुसार दिल्ली के सीएम को दिल्ली पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी है। हालांकि बुधवार को एक बार फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच एक और मुलाकात होने वाली है, जिसमें ये तय होगा कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा या फिर आर पार की लड़ाई को अंजाम दे चुके किसान इस आंदोलन को और जोरों से बढ़ाएंगे। दिल्ली में इकट्ठा हुए तमाम किसान जहां पिछले 12 दिनों से अपनी हक की मांग के लिए दिन रात सड़कों पर बिता रहे हैं, तो वहीं उनके इस आंदोलन को कई बड़ी हस्तियों का सपोर्ट भी लगातार मिल रहा है। जहां पहले पंजाब इंडस्ट्री के जाने माने कलाकारों ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर किसानों के प्रदर्शन को जमकर सपोर्ट किया, तो वहीं अब कई बड़े खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में उतरकर अपने अवार्ड वापस लौटाने की बात कह डाली है। आपको बता दें कि रविवार को जहां बॉक्सर विजेंदर सिंह ने नए कृषि कानूनों को वापस न लिए जाने पर राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान लौटाने की बात कही, तो वहीं सोमवार को 30 खिलाड़ी अपने अपने अवार्ड लौटाने राष्ट्रपति भवन के लिए कूच कर गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। ये खिलाड़ी राष्ट्रपति से मिलकर नए कृषि कानूनों के विरोध में अपने अवार्ड वापस करना चाहते हैं। इनमें से एक पहलवान करतार सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि पंजाब और कुछ अन्य जगहों के खिलाड़ी हैं जो अवार्ड लौटाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की सख्ती के चलते हम राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंच सके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के समर्थन में उतर आई हैं। किसान आंदोलन को लोग अलग अलग तरीके अपनाकर अनोखे ढंग से अपना समर्थन दे रहे हैं। जहां बीते दिन हमने आपको बताया था कि किस तरह किसानों को अपना सपोर्ट देने के लिए नए नवेले दूल्हे ने अपने बारात को ट्रैक्टर पर निकालने का फैसला लिया था, तो वहीं आज भारत बंद को अपना समर्थन देने के लिए नोएडा के किसानों ने बीते सोमवार को विरोध प्रदर्शन करने का एक नया अंदाज अपनाया है। बिना किसी हिंसा के यहाँ के किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार के कृषि कानूनों को विरोध में जताया है। दरअसल किसानों द्वारा किए गए इस अनोखे प्रदर्शन में भैंस को केंद्र सरकार की संज्ञा दी गई है, जबकि बीन बजाने वाले किसान हैं, जो कि एक मुहावरे को भली भांति दर्शाता है कि भैंस के आगे बीन बजाना। खैर, ऐसा ही कई प्रदर्शन किसान आंदोलन के दौरान हमें देखने को मिला है, जिनमें किसान बिना कोई टेढ़ा रास्ता अपनाए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और सरकार से कृषि कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से वापस लेने की मांगों पर अड़े हुए हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।